तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक नए फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ। कौन सा फ़ोन है, किस तरीके फ़ोन है, दोस्तों आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, मैं आपको उस तरीके का एक फ़ोन बना के दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, आपको सब कुछ समझ में आया कैसे क्या करना है। और दोस्तों फ़ोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको वीडियो में पासवर्ड बताया जाएगा। चलिए फटाफट टाइम लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है, आपको जो है अपना यूनिकोड एप्लीकेशन जो है यूनिकोड पैड एप्लीकेशन, आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, जाके डाउनलोड भी कर सकते हो आप, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप उधर जब जाके डाउनलोड कर सकते हो। जब दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है। अभी आपको इधर पर करना है, आपको इधर पर एक छोटा सा डॉट देखने को मिलता है, इधर पर देखते हो आप, डॉट पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो इधर पर सिलेक्ट का एक ऑप्शन देखने मिलता है, आपको सामने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर पे स्टोरेज का ऑप्शन क्लिक करना है, और आपको अपने जो फ़ोन को जहाँ पे भी रखा है आपको उस फ़ोन को इधर पे सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं जैसे फ़ोन के फोल्डर में जाता हूँ, जाने के बाद दोस्तों इधर पे देखते हो उस फ़ोन का नाम है आकृति देवांजलि, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा देखने को। और इधर पे चलिए इस फ़ोन को जो है क्लिक करता हूँ मैं, इधर पे देखते हो ये फ़ोन जो है ओपन हो चुका है। और दोस्तों इधर मैंने जो इस फ़ोन को पहले से ओपन किया हुआ था, इसलिए मेरा जो मतलब कि ओपन ही है, तो मैंने आपको बता भी दिया कैसे ओपन करना है। और अभी चलिए दोस्तों बता लिखना कैसे है आपको, इधर चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इधर पे दोस्तों अभी जो इसका अपडेट आया, तो इसलिए थोड़ा इसका लुक जो है चेंज हो चुका है। तो आपको अभी इसका जो मतलब कि कई सारा स्टाइल डिज़ाइन इन सब कुछ एक ही में मिक्स कर दिया है। और इधर पे आपको देखोगे तो आपको इधर पे ज़्यादा इसमें टेक्स्ट भी नहीं दिया है, पहले वाला जो अपडेट यानी कि जो पहले अपडेट नहीं हुआ था ऐसा, आपको उसमें क्या है नीचे भी आपको कई सारे टेक्स्ट देखने को मिलते थे, इसमें क्या है बस आपको जो फॉन्ट है आपका उसी से रिलेटेड आपको इधर पे देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए दोस्तों फटाफट जो है मैं इधर पे आपको लिख के दिखाता हूँ जो मैं आपको जिसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो इधर पे चलिए इधर पे जो फटाफट जो मैं टाइपिंग करके लिख लेता हूँ। जैसे दोस्तों आपको इधर पे लिखना कैसे है, आपको जो भी वर्ड आपको मतलब कि जिस वर्ड का आप नाम लिखना चाहते हो, जिस गाने का टाइटल आपको लिखना है, आपको वर्ड आपको इधर पे जो है क्लिक करके लिखना है। तो चलिए जो फटाफट मैं इधर पे क्लिक करके लिख के आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों इधर पे जो है कुछ लोग को पता नहीं है कि लिखने के बाद बीच में जो डैश कैसे देते हैं, तो इधर पे आपको करना है जहाँ पे आपको टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा आपको इस मतलब कि इस पेज में, तो आपको वहाँ पे जो है क्लिक करना। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नहीं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इधर देखते हो स्पेस मेरा आ चुका है। तो आपको इसी तरीके से स्पेस देना है आपको जो है वर्ड के बीच में, यानी कि सॉरी दोस्तों आपको टेक्स्ट के बीच में देना है आपको सेंटेंस के बीच में। तो अभी चलिए जो आगे का वर्ड फटाफट मैं इधर पर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों अभी जो मेरा लिख के हो चुका है टेक्स्ट, चलिए इसको नीचे करता हूँ इधर से मैं इसको। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इधर पे कॉपी का ऑप्शन देख लेते हैं, आपको उस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको इसको जो बंद कर देना है, बंद करने के बाद आपको पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इधर पर कैंसिल करना है, उसके बाद आपको इधर पर जो न्यू टेस्ट का एक ऑप्शन देखने मिलता है आपको उस पर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टेस्ट को हटाना है इधर से, उसके बाद आपको इधर पे जो अपनी कॉपी के उसको इधर पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो इधर पे अगला दो वर्ड है उसको मैं चलिए दो सेंटेंस है उसको मैं इधर पे जो है कट कर दे रहा हूँ क्लिक करके। मैं पहले एक सेंटेंस को जो है कलर करूँगा, इधर पे मैं डन करता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है दोस्तों। और अभी आपको दोस्तों नीचे कई सारे जो ऑप्शन देखने मिलते हैं, आपको इधर पे एक ही ऑप्शन क्लिक करना है, उसके बाद आपको इधर पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। आने के बाद आपको इधर पे जो फॉन्ट का एक ऑप्शन देखने मिलता है आपको उस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके जो इधर पे पिक्सल में पहले से कुछ फॉन्ट दिए रहते हैं इधर पे, उसके बाद आपको माई फॉन्ट का ऑप्शन देखने मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है। इधर पे दोस्तों आप अलग अलग तरीके कई सारे जो फॉन्ट ऐड कर सकते हो, अगर आपको ऐड करना नहीं पता है तो आपको मेरे जो इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा पिक्सल में फॉन्ट को ऐड कैसे करते हैं, जाके आप देख सकते हो। आपको उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक करें। और अभी दोस्तों चलिए इधर भी देखते हैं, ये फॉन्ट यही रहा आकृति देवांजलि जो इधर पे देख सकते हो आप, इसको मैंने इधर सेलेक्ट किया, उसके बाद इधर पे ओके करता हूँ। अभी दोस्तों आपको इधर पे करना क्या है, आपको इधर पे जो है इधर पे देखने को मिलता है एक कलर का ऑप्शन, तो आपको इस कलर के ऑप्शन जो है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको इधर पे एक ग्रेडियंट का कलर का ऑप्शन देखने मिलता है, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो कई सारे ऑप्शन पहले से दिए हैं, यानी कई सारे कलर अपने मतलब कि पहले से दिए हैं, अगर आप चाहते हो अलग तरीके से कुछ और अलग कलर मैं बनाना चाहता हूँ ऐड करना है आपको, तो आपको इधर प्लस के आइकन क्लिक करना है, और आप इधर जो भी कलर ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने इधर पे एक कलर जो बना के रखा हुआ है उसी तरीके का जैसे मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था टेक्स्ट, इधर पे देखते हो कुछ इस तरीके का है। इसको मैंने कैसे बनाया चलिए मैं आपको बताता हूँ। इधर मैं प्लस के आइकन क्लिक करता हूँ, इधर पे देखते हो कुछ इस तरीके का सेटअप है,
एंगल जो मेरा इधर पे साइड साइड में लगाया हुआ है मैंने, और इधर पे तीन कलर लिया है। पहला जो कलर है ग्रीन कलर है, इधर पे चलिए मैं कलर पिक दिखाता हूँ किस तरह का ग्रीन है। इधर पे देख दो तो कुछ इस तरह का मैंने ग्रीन कलर का सेटअप किया हुआ है। उसके बाद इधर पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं बीच वाले येलो कलर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद वापस कलर पिक के ऑप्शन पर जाता हूँ मैं, और इधर पर भी आप देख सकते हो येलो कलर मेरा जो कुछ इस तरह का सेटअप किया हुआ है। उसके बाद इधर पर जो रेड कलर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ मैं, इधर पर जाता हूँ कलर पिक के, उधर पर देख सकते हो कुछ इस तरह का मेरा जो रेड कलर का सेटअप किया हुआ है। दोस्तों ये सब आप ऐसे ही आपको कलर सेटअप करना है, आप जो भी कलर डालना चाहते हो डाल सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ बस कि आपको ऐसा कलर डालना है। इधर पे आपको ओके कर देना है दोस्तों। तो ओके करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा टेक्स्ट, आपको इधर पे जो इधर से भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने इसका जो कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसमें मैं जो है डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इसको जो टेक्स्ट को हटा देता हूँ इधर से मैं, और मैंने जो उधर से कट किया था उसको मैं इधर पेस्ट करता हूँ। उसके बाद डन करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। और इधर से दोस्तों कुछ इस तरीके आपको नजर आएगा, इसको मैं पहले वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करके कुछ इस तरीके नीचे सेट कर दे रहा हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको लाके इधर पे सेट कर दे रहा हूँ। और अभी दोस्तों आपको करना है, आपको इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो इधर पे एक स्ट्रोक का ऑप्शन देखने मिलता है, आपको उस ऑप्शन में क्लिक करके आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको इधर पे ओके कर देना। वैसे आपको नीचे वाले टेक्स्ट में भी क्लिक करके इसको स्ट्रोक पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इस टेक्स्ट पर क्लिक करके शैडो का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। आपको ओपेसिटी जो है बिल्कुल आपको ऐसा कुछ कम कर देना है। उस ओपेसिटी है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आपको ओपेसिटी जो है फुल करना है। आपको ब्लर रेडियस थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके से कम कर देना है। उसके बाद इधर इनेबल का ऑप्शन है, आपको इसको इनेबल करना है। उसके बाद आपको अपने हिसाब से जो इसमें जो जैसा आपको शैडो देना है उस टाइप से आपको शैडो इसमें डाल देना है कुछ इस तरीके से। ऐसे मैं चलिए पहले वाले टेक्स्ट में भी कर देता हूँ। मैं शैडो के ऑप्शन में जाता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ, और मैं जो ब्लर रेडियस का ऑप्शन है उसको कुछ थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। इसको इनेबल करता हूँ मैं। इनेबल करने के बाद इसको जो ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई जो ऑप्शन है उसकी मदद से मैं जो इसमें शैडो डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अभी आपको इतना करने के बाद इधर पे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको जो इधर प्लस के आइकन में जाता हूँ मैं, और इधर पे फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन में जाता हूँ। तो इधर पे दोस्तों मैंने जो एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है जो कि मैं इधर पे यूज़ करूँगा। इधर पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इमेज है, ये वाला इमेज। तो इसको मैं इधर पे ओपन किया, इसके बाद इधर पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इमेज है जो मैं इस टेक्स्ट के साइड में लगाऊंगा। और इधर पे चलिए दोस्तों अभी आपको एक बाजू वाले ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर पे इरेज कलर का ऑप्शन देखने मिलता है, आपको उस ऑप्शन जो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का टेक्स्ट देखने को मिलता है। अभी आपको जो इधर पे ओके कर देना है। एक मिनट, इधर पे जो टॉलरेंस का ऑप्शन है आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है अपने हिसाब से। उसको बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो अभी ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह का टेक्स्ट देखने को मिलता है। अभी आपको क्या करना है, इधर पे आपको कुछ इस तरीके से इसको जो छोटा करना है कुछ इस तरीके से। छोटा करने के बाद साइज इसका कुछ इस तरीके से छोटा कर लेना है आपको अपने हिसाब से, जैसा आपका टेक्स्ट रहेगा उसके साइज के हिसाब से। उसके बाद आपको इसको साइज में छोटा ला के आपको इसके इधर पे लगाना है। और वैसे आपको इसका जो एक और जो एक कॉपी लेना है। कॉपी लेने के बाद आपको इसका रोटेशन जो कुछ इस तरीके से कर देना है, और इसको ला के यहाँ पे सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। ऐसा सेट करने के बाद दोस्तों आपको इस लेयर के ऑप्शन जो है इधर भी देख सकते हो, आपको उस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो ये दोनों इमेज का लेयर है, आपको दोनों लेयर को जो सबसे नीचे ला के कुछ इस तरीके छोड़ देना है। उसके बाद ओके कर देना है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो, तो जैसा आपको ओरिजिनल वाले पोस्टर में ऑब्जेक्ट देखने को मिला था कुछ इस तरीके का, वैसा तो नहीं दोस्तों। मैंने मतलब कि डाउनलोड खोजने की कोशिश की थी, मुझे नहीं मिला, तो मुझे एक ऐसा ही मिला था। मैंने आपको यही यूज करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप इसका डाउनलोड करना चाहते हो इस वाले ऑब्जेक्ट को, तो आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका सेटअप कर लेना है। तो अभी आप जो आपका टेक्स्ट है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अभी आप इसमें इसको जहाँ पर भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अगर मैं चलिए इधर पर इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, इधर पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का। इधर पे चलिए मैं व्हाइट कलर को सिलेक्ट करता हूँ, देख सकते हो। तो आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल अभी बन के तैयार हो चुका है। अभी चलिए इधर से लेयर के ऑप्शन में जाता हूँ मैं, और इधर से इस सर्कल जो नीचे देख रहे हो इस सर्कल पर क्लिक करता हूँ। इधर पे जो सभी लेयर को एक साथ जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको थर्ड वाले ऑप्शन जो इधर पे देख रहे हो, आपको उस ऑप्शन में जो क्लिक करना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करते ही आपको जो सभी लेयर एक में जाता है, अभी आप इस टेक्स्ट को जो है कहीं पर भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है दोस्तों। तो यही मैं आपको बताना चाहता, जो मैंने आपको बता दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा फॉन्ट का, और ये रहा आपका स्क्रीन में पासवर्ड, देख सकते हो आप स्क्रीन में। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल पे नए दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।